छोटा बेबी ये बड़ा बेबी क्या बेबी नहीं हो क्या गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग आज मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी चिकन ये रहा चिकन जो अभी तंदूर होगा और मैंने उसके मैरिनेशन की तैयारी कर ली है मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें मिक्स किया है काजू प्याज हरी मिर्च क्रीम है दही है और जिंजर और गार्लिक है उस पहले मैंने क्या किया है आपको जो काजू थे वो भिगा दिए थे दस पंद्रह मिनट के गर्म पानी में भिगाने को रख दिए थे उसके बाद मैंने प्याज काजू और हरी मिर्च को थोड़ा बॉईल कर लिया जिससे उसका जो है टेस्ट अनियन की जो स्मेल है वो निकल जाए अनियन की बहुत स्मेल आती है तो इसीलिए जो है उसको एक पानी मैंने बॉइल करके निकाल के पानी उसका ड्रेन कर दिया है और अब मैं इसको जा रही हूँ ग्राइंड करने इसको पीसने ताकि मैं उसको जो चिकन है विनेगर जो हमारा वाइट विनेगर आता है वो नहीं अगर आपके पास तो आप नींबू ले सकते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ देना जिससे जो उसकी गंदगी और जो ब्लड लगा रहता है उसमें वो उसका क्लीन अप हो जाए पूरा तो मैंने भी वही करके पूरा इसको वॉश कर दे था अच्छे से और आप पूरा अच्छे से इसको ड्रेन कर देना जिससे इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे जब आप इसे रोस्ट करें तो पानी इसमें बिल्कुल भी ना रहे और मेरा मैरिनेशन का भी आप देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुकी है उसमें मैरिनेट करने के लिए अब मैं उसमें जो है आप उसमें मैरिनेट करूंगी और चिकन में सो गाइज में तो मैरिनेट तो 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 नहीं कर पाई बिकॉज ये जिस मैं मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था इसको देखा इसलिए मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया तो मैरिनेट करेंगे रत्तू के पापा मेरे बस की नहीं है कि इसको मैं मैरिनेट करूं इसको कट कट कर रखा है ना ताकि इसके अंदर से जो है वो करे तो हम इसमें ऐसे पूरा डाल देंगे अच्छे से जिससे ये क्रीम इसमें कम लग रही है क्रीम कम है इसमें। है ना क्रीम और दे क्रीम है नहीं खत्म क्रीम। हाँ, क्रीम नहीं खत्म है क्रीम क्रीम चलो बाद में देखेंगे अभी ना ग्रेवी वाला खाओगे तो चाहिए हो गया दरवाईज तो क्रीम करोगे क्या ज्यादा आपको तो सिर्फ रोस्ट करना है ना इसको रोस्ट तो करना है उसके बाद छोपना भी है तो फिर अफगानी चिकन बन रहा है तो तो अब इसको छोड़ दो पतला क्या ऐसी रहे ही रहेगा ही आप इसे छोड़ दो थोड़ा सा ना इसको अच्छे से लपेट के इसको मैं रख देती हूँ इतना मत करो अभी ठीक है ना लगेगा तो हम बाद में देख लेंगे फिलहाल के लिए अभी फिलहाल इतना ही करो आप अच्छे से मैरिनेट अच्छे से इसको कर देंगे इसमें जो भी मसाला हमारा मैरिनेशन का रेडी हुआ है ताकि इसके अंदर तक जो है तो आप उसको से जो है, अच्छे से अंदर तक कट कर दीजिए ताकि वो मसाला जो अंदर तक चला जाए आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप ये मैरिनेट कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कुछ चीजें खाएंगे कैसा लग रहा है थोड़ा तो इसका मसाला टेस्ट कर लो सॉल्ट के लिए मसाला तो बिल्कुल भी नहीं मसाला कम नहीं होना चाहिए मसाला कुछ डालना है बस उसी लिए तो बोल रही थी वो हो गया शुरू हो ही गई है यहाँ पर से हवा आती है तो निकसत्तू के पापा जो है थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि हवा ना आए तो जिससे हवा ना आए देखिए नीचे उसमें वो लगा दू ना मैं इसे भी बंद करना है पता वो भी रखे अभी पटाखे वो घिरिया अतु तो अतु भी सो रहे हैं निक्स भी सो रहे हैं मेरे को आज निक्स की तबीयत खराब हो रही है इसका लू, पेट लूज मोशन हो रहा है इसको पेट बिल्कुल सीधे सो सीधे सो बेटा <coughs> सोचा सीधे सो बाबू गिर जाएगा जो सोचा ये लड्डू किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताना मुझे तो बहुत पसंद है Dance, कौन है ये देखो मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाया था छोटा बच्चे से पाया है ये सबसे छोटा सदस्य हमारे घर का क्यूटू बच्चा है ना क्यू टू है का? ले आ अभी अन्य प्राशन नहीं हुआ है आपको और अभी छोटी जी तो हो अभी आप ये हंसती भी है ये मुस्काती है ये छोटी जी है ये परी छोटी जी मुस्काती भी है <laughs> क्या हुआ <laughs> ताई जी के कार्टून लग रही है जो हजरा ताई जी को देख के <laughs> <laughs> ए, क्या हो <हुँ> गया <laughs> मजा आ रहा हाँ डर गया वो चौथा जो बच्चा डर गया चाचाई जी गंदी ना डराती है देखो हाय का दो तो आप भी फ्रेंड्स को अपने के दो हाय बहुत चप चप चौथा चप ब्लॉगर हम चप चप चौथा जाए चप चप गुंडा जो बच्चा है ये है ना चप चप पारा बच्चा ये। है ये कितना पारा है टॉय टॉय हमारे घर का है ना टैडी आपसे मैं टैडी बोलूंगी आपको ठीक है आपका नाम रख दिया ताई जी ने आपसे टैडी बोलूंगी आपको मैं आपका नाम टैडी ओके जब जैसे ही तो कहीं भी रख दो आपको बस वो टैडी रोता नहीं है आप रोने लग जाते हो अजी आज जो भर भर के आज रहा है आज तो कोई बल बल के अजरा तक्कू कैसा लग रहा तक्कू तक्कू कैसा लग रहा? रहा तो बल बल के अच्छी आ रही है कौन है कौन है लद्दू बताओ कौन है कौन है बेबी किसका बेबी है किसका बेबी है ये किचका बेबी है चाचा का का है नाम बेबी बेबी का नाम क्या है अच्छा फ्रेंड्स को बता दो अपने क्या है बेबी का नाम बताओ नहीं मालूम इसका ना बेबी का नाम नहीं पता ना। क्या है लग बेबी का नाम जल्दी से बता दो मम्मा ने तो नया नाम रख दिया इसका टैडी टै... विवान है ये दोनों बेबी छो गए छोटा बेबी बड़ा बेबी क्या मैं बेबी नहीं हो क्या हो फिर लद्दू हो तो गाइस चिकन रोस्ट होने के लिए तैयार हो रहा है उसकी भट्टी क्या है ये बार भी क्यों भट्टी तैयार हो गई इसी में इसको चिकन को रोस्ट करेंगे चिकन को हमने जो है एक घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था अब उसको निकाल दिया है और फिर इसी में इसको जो है कपड़े हैं इसमें जाए ना चीटे ना पड़े उधर साइड में करना आप देख सकते हैं ये हो, हो चुका है क्या बोलते हैं इसको रोस्ट रोस्ट हो चुका है देखिए मुर्गा और कितना टाइम लगेगा अभी इसको अभी तो कच्चा है कच्चा है ये है ना ऊपर से कच्चा है अभी ठीक है वैसे पता है, बना के खाओगे तो खा भी नहीं पाओगे ऐसे तो खत्म खत्म फोन में पड़ेगी इसकी उसकी भाप पड़ेगी ठीक है हो गया सो गाइस फाइनली चिकन रोस्ट हो चुका है और कैसा लग रहा है आप खाने वालों से पूछिए कैसा लग रहा है दीदी यम्मी आप बताओ कैसा लग रहा है अंशु तुम ऐसे ही बता दो तुम्हारा चेहरा तो आएगा तो तुम क्लस जाओगे बता दो अच्छा बना टेस्टी बना है मतलब फाइनली मतलब इधर चाची ने करी है मेहनत समझ गया ना मैरिनेशन का काम मेरा है चाचा ने सिर्फ उसको रोस्ट किया है बस हाँ बेटा चाचा ने सिर्फ रोस्ट किया है मैरिनेशन मम्मा ने किया मम्मा ने चाची ने किया है सही लग रहा है दीदी पता भी वो पड़ा हुआ है इसका मैरिनेशन का बैटर चिकन के पीस लाना तो उसको हम पीस तो उसको छोटे-छोटे पीस कर ज्यादा अच्छा लग रहा ना बना किसने मैं बोलो <laughs> दीदी बस वही बोल रहे सारा जिस तरह से उसमें डाला ये मूली खाओ ना दीदी मुझे अच्छी लगेगी अंशु मूली खा ले अच्छी लगेगी ना। <laughs> तो अब मिक्स की हो रही तबीयत खराब तो मैं उसके लिए जो है सब्जी रोटी बनाने जा रही हूँ बिकॉज उसको ये नुकसान करेगा इसीलिए वो चिकन नहीं खा रहा है तो मैं उसके लिए जो है मलाई प्याज बना रही हूँ सो गाइस अब करते हैं ब्लॉग की एंडिंग बिकॉज और दस बजने वाले हैं और लड्डू का चल रहा है डिनर हम सबका हो चुका है नेक्स्ट की ऐसे मैंने अभी बताया आपको उसकी तबीयत ख़राब हो रही है उसको लूज मोशंस लग गए हैं तो वो रेस्ट कर रहा है खाना उसने खा लिया है बट स्टिल वो अभी रेस्ट करेगा कल स्कूल तो भेजूँगी बिकॉज उसका अभी तक हंड्रेड परसेंट रहा है अटेंडेंस तो मैं चाहूंगी कि आगे भी रहे उसका अटेंडेंस हंड्रेड परसेंट ही तो होप सो कि वो कल बेटर फील करे और उसको रिलीफ मिल जाए दवाई मैंने दे दी है उसके लिए। उसको बाकी देखते हैं कल सुबह ओके देन टिल ओके देन फ्रेंड्स बाय बाय डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताना जैसे रेसिपी मैंने यूज़ करी है और वो बनाने के लिए चिकन बनाने के लिए रोस्टेड चिकन अफ़गानी चिकन बना रही थी उसको बट वो रोस्ट ही करके खाया तो वो रोस्ट करके यमी लग रहा था तो इसलिए मैंने उसको आगे नहीं कुछ भी करा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि जो मैंने रेसिपी बताई है वो कैसी है और आप लोग घर में ट्राई करके कमेंट करना कि आप लोगों ने जब बनाया तो कैसा बना ओके फ्रेंड्स बाय बाय गुड नाइट